Hello students, welcome on my channel New Era Maths Classes. Today we continue the topic rank of matrix. Last lecture में हमने definition की थी row echelon matrix and column echelon matrix. आज हम बता रहे हैं row reduced echelon matrix क्या होता है और difference क्या है row echelon matrix and row reduced echelon matrix में. देखिए, जब हम row reduced echelon matrix form बनाते हैं किसी भी matrix के, अगर हम रो रिड्यूस एकेलन फॉर्म बना रहे हैं तो तीनों कंडीशन जो हमने एकेलन की पढ़ी है लास्ट लेक्चर में, जो हमने पढ़ी थी रो एकेलन मैट्रिक्स की, तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए. एंड अदर कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है रो रिड्यूस्ड एकेलन मैट्रिक्स का. फर्स्ट जो आपके पास रो की वन है, ठीक है, फर्स्ट रो में पहला जो नंबर हमारे पास होता है नहीं लीडिंग एंट्री वन होने चाहिए. ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, रो एकेलन मैट्रिक्स अगर बनाते हैं तो लीडिंग एंट्री हमारी वन होनी चाहिए. अगर रो रिड्यूस्ड बना रहे हो तो वन के जो नीचे की जो रोज हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में वन के नीचे जितने भी नंबर होंगे ये आपको ज़ीरो बनाने होते हैं, ठीक है. फिर आती है सेकेंड रो की बात. फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री मिल गई हमें, सेकेंड रो नॉन जीरो लीडिंग एंट्री, नॉन जीरो इज़ वन. सेकेंड कॉलम में वन के नीचे जितने भी नंबर होंगे ऑल आर ज़ीरोज. देखिए यहाँ से सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री है वन, क्योंकि ये नंबर तो जीरो हो गया, ठीक है. तो सेकेंड रो की हमारे पास लीडिंग एंट्री वन है. तो रो रिड्यूस फॉर्म बना रहे हो तो वन के नीचे जितने भी नंबर होंगे, जितने भी रोज होंगे आपके पास, उन सब में सेकेंड कॉलम में वन के नीचे वाले सारे नंबर जीरो होने चाहिए, ठीक है. फिर आती है थर्ड रो की बात. ये सेकेंड रो हो गया हमारे पास कंप्लीट. थर्ड रो आता है, थर्ड रो में नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ पे आएगा, ये शो कर रखा है, ठीक है. ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो है, तो नॉन जीरो दिस इज. तो इस रो, इस कॉलम में वन के अपॉन में जितने नंबर होंगे, यानी कि एक ही नंबर है, ये हमारा जीरो होना चाहिए, ओके. और लास्ट रो आपके पास जीरो है, तो इस फॉर्म को बोलते हैं रो रिड्यूस्ड एकेलन मैट्रिक्स. ऐसे ही आपको कॉलम रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म मैट्रिक्स में करना है. कॉलम एकेलन मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ी थी कि लास्ट कॉलम हमारा जीरो होना चाहिए. जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो नॉन जो जीरो एलिमेंट है, यानी जितने भी नंबर ऑफ जीरोज हैं, वो कम होते जाते हैं. जैसे इस जो थर्ड कॉलम है इसमें तीन जीरो हैं, फिर दो जीरो हैं, इसके बाद कोई जीरो नहीं है. तो जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे आते जाते हैं कॉलम्स में जीरो कम होती जाती है, ठीक है. और जो पूरा जीरो कॉलम होता है वो हम राइट साइड पे बनाते हैं, ना कि लेफ्ट साइड पे. लीडिंग एंट्री हमारी वन होनी चाहिए कॉलम की, ठीक है. देन हमें रो रिड्यूस, कॉलम रिड्यूस में क्या हो जाएगा यहाँ से कि जो फर्स्ट रो हमारे पास लीडिंग एंट्री वन, इसके बाद सारे नंबर जीरो आने चाहिए, ठीक है. जैसे नॉन जीरो नंबर देखेंगे, नॉन जीरो नंबर इज अ वन, आगे के नंबर हमारे पास जीरो आ रहे हैं, दिस इज़ वन, अगेन इसके बाद नंबर जीरो सारे के सारे बन रही है, देन यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है हमें वन बनाने की, ठीक है. तो ये होती है रो रिड्यूस्ड एंड कॉलम रिड्यूस्ड. रो रैंक कैसे निकालते हैं, अगर रो रैंक पूछा जाता है तो हम मैट्रिक्स की बनाएंगे रो रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म या रो एकेलन फॉर्म, ठीक है. वहाँ से जो जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरोज रो होती हैं, रो रैंक अगर पूछा जाता है तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, जैसे हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये रो हमारी कंप्लीट ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो रो कितनी हुई, इस रो में भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इसमें भी, इसमें भी, तो हमारे पास तीन रो है जो नॉन ज़ीरो है, तो रैंक किसका क्या आ जाएगा, थ्री. अगर रो रैंक पूछा जाता है तो रो एकेलन मैट्रिक्स बनाएंगे. रो एकेलन मैट्रिक्स बनाओगे तो ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे, ठीक है. सेम टू सेम कॉलम रिड्यूस्ड अगर आपके पास बनाते हो तो यहाँ से हम निकाल दें कॉलम. अगर आपसे ये पूछा जाता है कॉलम रैंक बताइए, कॉलम रैंक का मतलब हम मैट्रिक्स को चेंज करेंगे कॉलम रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म में, ठीक है. कॉलम एकेलन फॉर्म में जब आप इसको चेंज करते हो मैट्रिक्स को, तो सिर्फ आपको कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, रो ऑपरेशन इस पर अप्लाई नहीं करने. देन हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स इन मैट्रिक्स, इन मतलब एकेलन फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स आती है ना एकेलन फॉर्म में, उसमें देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम. जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉलम जीरो, वन टू थ्री, यहाँ पे भी रैंक क्या आ जाएगा मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज थ्री,
क्योंकि इसमें तीन नॉन जीरो कॉलम्स हैं। कॉलम रिड्यूस में कॉलम चेक करेंगे और रो रिड्यूस में हम रो चेक करेंगे। दो एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। थर्ड एग्जांपल देखिए, ए मैट्रिक्स गिवन है, रिड्यूस टू रो रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स एंड फाइंड इट्स रो रैंक। मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, इसको आपको चेंज करना है रो रिड्यूस्ड एकेलन फॉर्म में। सबसे पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, जो लीडिंग एलिमेंट है वो वन होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें हम देखें तो पूरा कॉलम ही जीरो है, हम इस पर सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे भी अगर यहाँ पे वन होता तो हम इस रो को इंटरचेंज कर लेते, ओके। बट यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, जीरो, तो पूरा का पूरा कॉलम जीरो है, तो लीडिंग एलिमेंट हमारा हो जाएगा, लीडिंग जो नंबर है वो हो जाएगा वन सेकेंड कॉलम में, ठीक है। अब हम इसकी बनाते हैं रो रिड्यूस, मीन्स अगर ये आपके पास लीडिंग एलिमेंट है तो इसके नीचे के जितने भी नंबर हैं सबको जीरो बनाओ। तो यहाँ से ऑपरेशन क्या अप्लाई करें, रो सेकंड रो को जीरो बनाएंगे तो रो में से फर्स्ट माइनस कर देंगे। इसको जीरो बनाते हैं तो फर्स्ट को टू से मल्टीप्लाई कीजिए, रो थर्ड में से आपको माइनस करना है, रो थर्ड माइनस टू रो वन, ठीक है। एंड रो फोर माइनस थ्री रो वन, इसको फोर रो वन सॉ चार से मल्टीप्लाई करें। तो हमने क्या किया, रो फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, इसको टू से मल्टीप्लाई किया माइनस कर दिया, इसको टू से मल्टीप्लाई, इसको फोर से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस कर दिया। चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इज एज इट इज, सेकंड 1-1 इज अ ज़ीरो, 3-3 इज अ ज़ीरो, सेकेंड में से 1 माइनस कर रहे हैं ना, इसमें से ही माइनस करोगे तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1, दिस इज 2। फिर हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करेंगे 0, ये तो 0 है ही फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, देन 6 0, ठीक है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने और इसमें से माइनस करेंगे तो 1-2 दिस इज 3, ठीक है, क्योंकि इसमें से 1 में से माइनस करोगे -2, तो -2 प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, एंड दिस इज ये कर रहे हैं ना हम, अब ये करते हैं, इसको यहाँ पे 6 हो गया, -3 बचा, यहाँ पे 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7। लास्ट इज, ये तो 0 नंबर है, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर देंगे 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 12 में से माइनस करेंगे, दिस इज ऑल्सो 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 एंड माइनस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो -2 प्लस 4 इज अ 2, 4 और सही हो गया। यहाँ पे देखिए 12 और 10 में से 12 माइनस करोगे -2, फिर 1, 4 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको और 7-4 इज अ 3, ये आ जाएगा आपके पास, अच्छा ये 7 चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसका लीडिंग एलिमेंट 1 था, हमने सबको 0 बना दिया, नेक्स्ट रो में चलते हैं, नेक्स्ट रो में यहाँ पे 0 है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम, यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट हमारा 1 है, ठीक है, लीडिंग एलिमेंट 1 है, हम इसको 0 बनाते हैं। अब 0 कैसे बनेगा ये, आज हमें जितनी भी 0 बन सकती है रो में 0 बनाएंगे, यहाँ पे हम 0 बना सकते हैं इसकी हेल्प लेके, यहाँ पे 0 बना सकते हैं इसकी हेल्प लेके, ठीक है। तो रो 4 में चेंज करेंगे, रो 4 में से माइनस कर देंगे 2R2 एंड रो 3 में से माइनस कर देंगे 3R2, सेकेंड रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए क्या आती है, 0 0 0 0, 1 0 0 3 -1 3 1 0 1 -1 2, यहाँ पे चेंज 0 आएगा, यहाँ पे चेंज होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई -3, इसमें से माइनस करेंगे दिस इज ऑल्सो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमने 6 और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0, एंड हमने क्या किया यहाँ पे R4 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3-4 इज अ -1, ठीक है। नाउ यहाँ पे 0 बना सकते हैं,
रो 4 और 5 का यूज़ करके। तो हमने क्या क्या किया यहाँ पे, R4 प्लस R3, 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 3 एंड -1 1 0 0 -3 -1। और हमने इसमें चेंज किया है तो ये आ जाएगा 1 2 1 0, इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज -1 एंड 1, ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब क्या हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं? यहाँ पे 0 बनाने हैं बट ये 0 ख़त्म नहीं होने चाहिए, ये भी रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ से करती हूँ फर्स्ट को इसमें से थर्ड में से माइनस करेंगे तो हमारा ये 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें इस तरह से 0 बनाना होता है कि ये नंबर 0 हो जाए बट ये हमारी एज इट इज़ रहे। ठीक है, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं लग रहा मुझे, कोई ऑपरेशन नहीं है कि इसको अप्लाई करें और हमारे पास 0 बन जाए। देन ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, अगर हम चेक करें यहाँ पे आपको 1 बनाना पड़ेगा, 1 0, दिस इज़ इसके बाद नहीं, ज़रूरत नहीं, यहाँ छोड़ सकते हो आप। देखिए कॉल हमें रो रिड्यूस चेक करना था ना, रो रिड्यूस में हमें नॉन ज़ीरो, इसका पहले इसके अपॉन में 0 चल रहा है, इस कॉलम के अपॉन में आ रहा है, देन इस कॉलम में नॉन ज़ीरो एलिमेंट ये हमारा हो ही गया है सेकेंड फॉर्म में, इसके अपॉन में 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किए और हमने मैट्रिक्स को चेंज कर दिया रो रिड्यूस्ड अकेलन फॉर्म में। अब नॉन ज़ीरो रो देख लीजिए यहाँ पे, ये कंप्लीट 0 रो, इसके बाद इसमें 1 नॉन ज़ीरो नंबर है, दैट मीन्स दिस रो इज़ नॉन ज़ीरो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 रो आपके पास ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। ठीक है, एग्जाम्पल 4, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू कॉलम अकेलन फॉर्म एंड फाइंड कॉलम रैंक। इसको आपको रिड्यूस करना है कॉलम अकेलन फॉर्म में। हमने बताया था कि अगर कॉलम अकेलन बना रहे हो किसी भी मैट्रिक्स की, कॉलम अकेलन फॉर्म में चेंज करना है तो हम ओनली कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस पर। ठीक है, देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो लीडिंग एलिमेंट हमारा क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 0 है तो 1 हम शिफ्ट कर सकते हैं सेकंड कॉलम से। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं C1 इंटरचेंज C2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे तो सेकंड कॉलम को फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 1 2 1 3 1 1 3। ठीक है, इसके बाद लीडिंग एंड एलिमेंट 1 हो गया हमारा, इसके बाद जितने भी फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट होंगे लीडिंग एलिमेंट के बाद जितने यहाँ पे नंबर होते हैं सबको हमें 0 बनाना होता है। ये तो 0 ऑलरेडी है, इसको 0 बनाओ। 0 कैसे बनेगा भाई, कॉलम 3 में से माइनस कर देंगे हम 3 इंटू कॉलम फर्स्ट। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से 1 2 3 2 0 1 2 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस करेंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 6, 1 - 6 इज -5 जिसे 9, 1 - 9 इज -8 एंड 6, 3 - 6 इज -3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया इसको और इसमें से माइनस कर दिया हमने। ठीक है, नाउ सेकंड जो आपके पास लीडिंग एलिमेंट है 1 यहाँ पे दिख रहा है पे, तो हम यहाँ पे 0 बना लेते हैं। 0 कैसे बनेगी यहाँ पे, कॉलम थर्ड प्लस 5 इंटू कॉलम सेकंड, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो फर्स्ट इज एज इट इज़ 1 2 3 2, सेकंड भी एज इट इज़ चेंज हमारा होगा थर्ड कॉलम में। हमने यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 ही रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 ऐड करेंगे तो 0। ठीक है, एंड 5 10 10 में ऐड करेंगे -8 को 2 और 5 - 3 इज 2। ठीक है, कॉलम अकेलन फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास लास्ट कॉलम को हम 0 बनाते हैं जहाँ तक पॉसिबल होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
टू को कॉलम थ्री को डिवाइड कर दीजिए, कॉलम थ्री वन बाय टू कॉलम थ्री, यानी थ्री को हमने टू से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा वन टू थ्री टू ज़ीरो वन टू वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन। ठीक है, अब क्या आप कोई कर सकते हो कॉलम? कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा जीरो बन जाए, हमें इस दोनों प्लेसेस को जीरो बनाना है, बट जीरो यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा। कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये जीरो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही बनेगा, इससे आगे जीरो नहीं बना सकते हम। ठीक है, अदरवाइज़ तो हमें क्या करना होता है, लास्ट कॉलम को जीरो बनाना होता है। फिर हम चेक करते हैं नॉन जीरो कॉलम टू बचते हैं या फिर थ्री ही रहते हैं या वन बचता है, उतना इसका रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे नहीं बना सकते इसको। और ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये वन हमारा, इससे आगे के नंबर जीरो बनाने होते हैं। फिर सेकेंड में हमारे पास दिस इज़ वन, इसके आगे का नंबर जीरो हमने बना दिया, देन यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से आ जाएगा रैंक ऑफ कॉलम, रैंक पूछा ना, कॉलम रैंक, तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, कॉलम रैंक आ जाएगा नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम्स। कितने नॉन ज़ीरो कॉलम, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी और ये भी, तो थ्री आ जाएगा। दिस इज थ्री इज़ अ आंसर। तो एग्जांपल 2.2 एक्सरसाइज से कंप्लीट हो गए आपके। यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करवाना शायद पॉसिबल नहीं है, तो आप इनको ट्राई करो। आई थिंक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा रो अकेलन एंड कॉलम अकेलन मैट्रिक्स का। तो इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।